पीड़िता की दिल्ली में मौत के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। मामले में योगी सरकार ने आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द सजा दिलाने की बात कही है। वहीं दो दिन के लिए लखनऊ दौरे पर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अचानक प्रोग्राम बदलते हुए उन्नाव में गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने जा रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ में लोक भवन के सामने धरने पर बैठ गए। अखिलेश के साथ सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी भी धरने पर बैठे हैं। उधर अचानक अखिलेश के धरने पर बैठने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में भारी फोर्स मौके पर बुला ली गई। वैसे थोड़ी देर धरने के बाद अखिलेश यादव ने उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार में यह पहली घटना नहीं है। उन्नाव की घटना उत्तर प्रदेश में पहली नहीं है। उन्नाव की घटना भयानक दर्द देती है। अखिलेश ने कहा कि आज हमारे लिए काला दिवस है। डॉक्टरों की कोशिश से भी जान नहीं बचाई जा सकी। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा 8 दिसंबर को पूर्व उत्तर प्रदेश में विरोध दिवस मनाएगी। उन्होंने कहा कि हम जिलों और महानगरों में शांतिपूर्ण धरना देंगे। उन्नाव जाने पर अखिलेश यादव बोले कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर आगे का रोड मैप बताऊंगा। इस दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, होम सेक्रेटरी, डीजीपी के हटे बिना बेटियां सुरक्षित नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि याद कीजिए, उन्नाव की एक बेटी ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर आकर खुद की जान देने की कोशिश की थी। बाराबंकी की बेटी ने आत्महत्या कर दी, उसकी जान नहीं बची। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्नाव की बेटी की जान नहीं बचाई जा सकी। इस केस में जो आरोपी हैं वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आज के युग में इस तरह की घटना होगी कि जिंदा जला देगा कोई। उन्होंने कहा कि वो बेटी 1 किलोमीटर तक जलती हुई भागी थी। इस बीच लखनऊ के 2 दिन के दौरे पर आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अचानक अपना कार्यक्रम बदल लिया। वह सीधे पीड़ित परिवार से मिलने उन्नाव पहुंच गई। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, प्रमोद तिवारी, अनु टंडन आदि भी मौजूद रहे। उधर मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन कड़ी मशक्कत कर रहा है। मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी ने परिवार के सदस्य का हाथ पकड़ा और बात करने के लिए उनके साथ घर के अंदर चली गई। इससे पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में हर रोज महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि उन्नाव की पिछली घटना को ध्यान में रखते हुए सरकार को तत्काल पीड़िता को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई है। जिस अधिकारी ने उसका FIR दर्ज करने से मना किया, उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई। उत्तर प्रदेश में रोज रोज महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार का कर्तव्य होता है कि वह कानून व्यवस्था को कायम रखे। उन्नाव में पिछले 11 महीनों में 90 बलात्कार हुए हैं। सरकार का फैसला करना पड़ेगा कि वह महिलाओं के पक्ष में है या फिर अपराधियों के पक्ष में। उन्होंने कहा कि उन्नाव में जो पिछला मामला हुआ था, उसमें सरकार ने आरोपी की तब तक सुरक्षा की जब तक उस महिला का परिवार खत्म नहीं हो गया। उन्नाव के बाद संभल, मैनपुरी में आपने देखा, और अब उन्नाव में गुरुवार को नया मामला हुआ है। बता दें कि 90% से भी ज्यादा जल चुकी यूपी की निर्भया ने आखिरी समय तक वह हार नहीं मानी थी। गुरुवार देर शाम लखनऊ से एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाई गई पीड़िता रात 9 बजे तक होश में थी। अस्पताल में जब तक वह होश में रही, कहती रही, मैं बच तो जाऊंगी, मुझे जलाने वालों को छोड़ना मत। फिर वो बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने उसे होश में लाने की पूरी कोशिश की। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन वो बच ना सकी। न्याय की जंग लड़ते लड़ते एक और निर्भया जिंदगी की जंग हार गई। उसकी जान नहीं बच पाई। ये हमारे लिए, जो आज के समय पर हम जो लोग समाज में रह रहे हैं, हमारे लिए ये काला दिवस है कि एक बेटी जो न्याय मांग रही थी, हमसे न्याय नहीं दे पा रहे। और ये उत्तर प्रदेश की और इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली घटना नहीं है। याद कीजिए वो समय जब मुख्यमंत्री आवास के सामने बेटी आकर करके अपने लिए न्याय मांग रही थी, न्याय नहीं मिला उसको, उसे आत्मदाह करने की कोशिश करनी पड़ी, तब जाकर के FIR लिखी गई। और याद करिए वो घटना जब बाराबंकी की बेटी यहीं पर आई थी मुख्यमंत्री आवास में, उसने भी आत्मदाह किया और बाद में उसकी जान नहीं बची। उन्नाव की बेटी
उसने एक ने तो पूरा परिवार खो दिया। कौन दोषी था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी थी। और ये भी बेटी जिसकी जान गई है आज, उसके भी दोषी कोई है तो सरकार, क्योंकि सरकार की जानकारी में था। और जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, क्या बेटी भागी हुई होगी? भागी वो बिचारी, जब उसका पूरा शरीर जला था उस समय भागी वो, और वो इसीलिए भागी के गुहार कर रही थी कि उसकी कोई मदद करे। क्या आज के युग में इस तरह की घटना होगी कि जिंदा जला देगा कोई? और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले दिन से दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था ठीक होगा, कानून व्यवस्था पे लगाम कसी जाएगी। क्या आपने मुख्यमंत्री की भाषा नहीं सुनी? इसी सदन में उन्होंने कहा था, इसी सदन में, कि अपराधियों को ठोक दिया जाएगा, जो अपराध करेंगे वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए, छोड़ के भाग गए। लेकिन क्या वजह है, क्या वजह है, क्या कारण है कि अपराधी यहीं पर हैं? जो बात सदन में कही गई हो, जो बात मंचों से कही गई हो, और उस मुख्यमंत्री ने कहा हो जिन्होंने शपथ ली हो संविधान की, और बताओ संविधान की शपथ के बाद एक बेटी की जान नहीं बचा पाई सरकार? किस मंच पे नहीं सरकार ने कहा कि हम बेटियों की इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो है, ना बेटियां सुरक्षित हैं, ना उनका सम्मान सुरक्षित से सड़क पर है। और अगर कहीं न्याय भी मांगने जाएं या सुरक्षा की वार करें तो उन्हें न्याय और सम्मान और सुरक्षा नहीं मिल रही है। देखिए, सरकार का कर्तव्य होता है कि कानून को कायम रखे और कानून व्यवस्था को कायम रखे। आपने उन्नाव में देखा है, उन्नाव में पिछले 11 महीनों में तकरीबन 90 बलात्कार हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा एक्शन ले रहे हैं? जिम्मेदारी लें, ये पहचाने कि एक तरह से ये इस प्रदेश के लिए, जहाँ पे महिलाओं पर जो अपराध हो रहा है वह नंबर एक पे है पूरे देश में, एक तरह से एक इमरजेंसी सिचुएशन के तौर पर लेना चाहिए। एक प्रदेश में ये स्थिति आप बनाएंगे कि किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है और आप FIR नहीं दर्ज करेंगे 4 महीनों के लिए, आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जो जो अपराधी है वो 2 महीने में उसको आप बेल पे छोड़ देंगे, तो आप कानून व्यवस्था। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।